हेलो बच्चों, हम आपका कंप्यूटर में चैप्टर 3 एंड लेसन 3 पर्सनलाइजिंग द विंडोज 10 बैकग्राउंड कर रहे थे। हमने उसकी रीडिंग पूरी कर ली थी क्या हम, और उसमें आपको मैंने प्रैक्टिकल भी बताया था कि विंडोज 10 में कैसे पर्सनलाइजेशन करते हैं, कैसे डेस्कटॉप का वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर कैसे चेंज करते हैं इन पिक्चर्स, इन कलर, सॉलिड कलर में या फिर उसको स्लाइड शो में, कंप्यूटर की पर्सनलाइजिंग में थीम कैसे चेंज करते हैं, हर चीज़, राइट? तो आज हम उसकी करेंगे एक्टिविटी स्टार्ट, जो आपकी है पेज नंबर 31 पे। तो पेज नंबर 31 पे जो आपकी एक्टिविटी है वो है रीअरेंज द लेटर टू फॉर्म द वर्ड्स। और ये जितने भी आपके पास लेटर्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं जो उल्टे सीधे दे रखे हैं, उसको पूरे वर्ड्स में, एक्यूरेट वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। और एक भी वर्ड आपका अलग से छूटना नहीं चाहिए और एक भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए आपको यहाँ पे जो वर्ड्स बनाने हैं। और जो वर्ड्स आप बनाओगे वो इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो एक एक वर्ड आपको अच्छे से याद होगा, जैसे कि विंडोज़, वॉलपेपर, स्लाइड शो, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, सॉलिड कलर, ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। आज हम इसका पर्सनलाइजिंग जस्ट चैप्टर में रीअरेंज द लेटर टू फॉर्म द वर्ड्स करेंगे। जैसे कि आपका जो फर्स्ट आपके ये पार्ट्स हैं, पहले हम ये वाले पार्ट्स करते हैं, जैसे कि ये। अब इसमें देखो, अब इसके अंदर आपका क्या है, एक आपका P है, R है, S, O, N, E, ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हो, राइट? अब इसके अंदर आपका क्या है कि आपको क्या चीज़ बन सकता है, P से आपको क्या बन सकता है। P, R, S, O, N आपको दिख रहा है, तो ये तो चल रहा है कि ये पर्सन जैसा कुछ बन रहा है। और पर्सन से आपका इसमें क्या वर्ड है, अब देखो बना के देखते हैं। अगर हम पहले ये P ले लेंगे, चलो हमने P लिख दिया, राइट? हमने लिख दिया P, फिर लिख दिया हमने E, E, फिर लिखा हमने R, R भी ले लिया, S, O, N एक साथ ले लेंगे, ये हमारा बन गया पर्सन। फिर अब क्या क्या बचा, A, पर्सन A आ गया, N, L, I, Z, E, ये सिर्फ इस पार्ट का बता रही हूँ मैं, ठीक है? तो हमारा क्या बन गया, पर्सनलाइज। तो हमारे देखो इसमें सारे वर्ड्स आ गए हमारे, एक आ गया हमारा P आ गया, E आ गया, R, O, S, O, N एंड A, L, I, Z, E, ये सारे आ गए। तो हमारा एक भी वर्ड एक्स्ट्रा बचा नहीं और हमने कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड लिया नहीं, तो हमारा क्या चीज़ बन गया, ये पर्सनलाइज। तो ये अगर आप जो लेटर को फॉर्म करोगे वर्ड्स में तो आपका क्या बन जाएगा, पर्सनलाइज। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला। तो ये पहला वाला तो आपको समझ आ गया कि पहले वाला आपका क्या है, पर्सनलाइज, यानी कि पी ई आर एस ओ एन ए एल आई जेड ई, ओके, पर्सनलाइज, ये ओ है आपका। अब आया नीचे, देखो डी के टी पी ओ ई एस, अब इससे क्या बन रहा है बताओ, डी से, डी से आपका बन रहा है, ये आपका आ गया डी के टी, एस भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, तो हम पहले लिखते हैं इसमें हमारा एक बन रहा है डेस्क, क्या बन गया हमारा डेस्क, डेस्क यानी कि डी आ गया, ई एस के, डेस्क बन गया, और आपका टी पी ओ बचा, ये क्या बन गया, टी ओ पी, हमारे सारे वर्ड्स आ गए, D E S K T O P, हमारा क्या बन गया, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, जो आपने पर्सनलाइज में पढ़ा था, इस चैप्टर में पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ा है, तो हमारा इस वर्ड से क्या बन गया, डेस्कटॉप। अब आपका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखो क्या आ रहा है, P T U E R I C, यानी कि आपका इससे क्या बन रहा है, अब ये अगर मैं यहाँ से वर्ड देखूँ P I C, ये आपका बन गया पिक, ठीक है? और पिक क्या होती है, पिक मतलब पिक्चर, फोटो। अब क्या ये आपका पूरा पिक्चर बन रहा है, देखो P I C T U R और E, T U R E,
ये आपके सारे वर्ड आ गए, PICTURE, पिक्चर। ठीक है, ये आपका बन गया। कौन कौन सा पार्ट हो गया आपका? फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट का क्या बना था? पर्सनलाइज। सेकंड पार्ट का क्या बना था? डेस्कटॉप। और फिफ्थ पार्ट का बना था आपका पिक्चर, राइट? ये हो गया जंबलिंग वर्ड से, जंबलिंग लेटर से हमने बना दिया प्रॉपर वर्ड। अब आया आपका ये वाले पार्ट्स। अब ये देखो, ये वाले पार्ट्स में क्या है आपका? इससे आपका क्या बना है? डब्ल्यू डी डब्ल्यू। कौन से वर्ड में दो बार डब्ल्यू आता है, जिसके अंदर एन भी आता है, डी भी आता है, ओ भी आता है, आई भी आता है? अब दिमाग लगाओ, क्या आएगा इसके अंदर? आएगा डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू और एस। विंडोज़, देखो सारे वर्ड आ गए, डब्ल्यू भी आ गया, डी डब्ल्यू एन ओ आई एस सब कुछ आ गया इसके अंदर, यानी कि विंडोज़। ये आपका आ गया विंडोज़। ठीक है, अब आया फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या आ रहा है? फोर्थ पार्ट में देखो आपका क्या आ रहा है? एस डी एस ओ डब्ल्यू एच। अगर मैं ये एस ओ डब्ल्यू एच का इसका करूँ तो ये हमारा, ये दोनों मिलके बन रहे हैं शो। ठीक है, चलो मैंने ये लिख दिया शो। अब इसके आगे पीछे क्या बनेगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया, चलो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ एस एच ओ डब्ल्यू शो। बना दिया तो हमारे ये वर्ड पूरे हो गए। अब जो वर्ड बचे वो कौन सा बचा? एस डी और ई एल आई। अगर हम इसको मिक्स करके बनाएं तो हमारा क्या बनेगा? एस एल आई डी ई स्लाइड। अगर हम स्लाइड और शो को मिक्स करें तो शो स्लाइड तो बनेगा नहीं, हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी था स्लाइड शो। अब इसमें देखो एक एक वर्ड आपका इसमें आ गया, एस भी आ गया, एल आई डी ई स्लाइड, एस एच ओ डब्ल्यू शो। तो ये हमारा आ गया स्लाइड शो। अब जो आपका सिक्स पार्ट है वो सिक्स पार्ट भी आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये तो बहुत ही ईजी है, जिसके अंदर डब्ल्यू और डबल एल आता है। ठीक है, एक होता है विल, वॉल, वॉल होता है ना। अब हमने इस चैप्टर में वॉल कहाँ पढ़ा था? वॉलपेपर में पढ़ा था, राइट? तो पहले तो हमारे इसके अंदर ए भी है, तो हम पहले इसका वॉल तो बना ही लेते हैं, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल। ठीक है, तो हमारा वर्ड जो बचे वो कौन कौन से बचे? हम सिर्फ वर्ड्स देखते हैं, कौन कौन से बचे? बचा पी आर ई पी ए। अब इससे क्या वर्ड बनेगा? देखो इससे हमारा बनेगा पी ए पी ई आर। तो ये हमारा क्या बन गया? पेपर। यानी कि हमारे सारे वर्ड यूज हो गए, अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? वॉल पेपर। ठीक है, तो ये हमारा ये जो डब्ल्यू एल एल पी ए आर ई पी, इससे क्या बना हमारा? वॉल पेपर। तो हम फिर से अब इसको रिवाइज करेंगे। सेकेंड वाले पार्ट में क्या बना? विंडोज, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू एस। फोर्थ पार्ट में बना स्लाइड शो, एस एल आई डी ई एस एच ओ, स्पेलिंग सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। एंड सिक्स वाले में क्या बना? वॉल पेपर, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, पी ए पी ई आर पेपर। हमारा एक भी वर्ड ना छूटा है, ना हमने एक्स्ट्रा लिया है। आज के लिए इतना। ये एक्सरसाइज अपने पेंसिल से, अपनी नोटबुक में और अपनी अपनी फेयर नोटबुक में, अपनी नोटबुक में और बुक में, दोनों में करना है। थैंक यू।